हम सभी जो सारे यहाँ पे इस सदन में हमारे सदस्य बैठे हैं, हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं। दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम सभी जो सारे यहाँ पे इस सदन में हमारे सदस्य बैठे हैं, हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं। इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनू सच राचर जग माही, काल करम सुभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने 9 सालों में दिल्ली के हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास किया है, हर परिवार को सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन देने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि राम राज्य स्थापित करने में सफर में हमें लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन आज मैं केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश करते हुए ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि पिछले 10 साल में दिल्ली के आम लोगों की जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन आया है। 2014 से 2024 तक का ये सफर दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए एक बदलाव का सफर रहा है। चाहे दिल्ली की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो या फिर 2 गुना बढ़ी हुई प्रति व्यक्ति आए, चाहे बच्चों के बदले हुए सरकारी स्कूल हों या महिलाओं को मिली टैंकर के लड़ाई झगड़े से आजादी, चाहे दिल्ली में बना सड़कों और फ्लाईओवरों का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एक गरीब परिवार को फ्री में मिलता हुआ अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक का इलाज, दिल्ली वालों ने 2014-15 से आज 2024-25 तक निराशा से आशा तक का एक सफर तय किया है। जब हम दिल्ली के लोगों के बीच में जाते हैं अध्यक्ष महोदय, हमें तो अपना रिपोर्ट कार्ड रोज ही मिलता है, चाहे वो बच्चों की, चाहे वो महिलाओं की, चाहे वो बुजुर्गों की मुस्कान से हो। लेकिन आज मैं सदन के सामने पिछले 10 साल में राम राज्य के प्रति दिल्ली के बढ़ते हुए कदमों का रिपोर्ट कार्ड भी रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, रामायण में जब भी अयोध्या जी का वर्णन आता है तो कहा जाता है कि अयोध्या जैसा सुंदर और समृद्ध शहर पूरी दुनिया में नहीं था। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में भी समृद्धि लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में राम राज्य के सफर में एक महत्वपूर्ण द्योतक रहा है दिल्ली शहर की समृद्धि। 2014-15 में दिल्ली का GSDP 4,95,000 करोड़ था और आज 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है और वर्तमान कीमतों पर आज 11,08,000 करोड़। 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपए थी और 2023-24 में वर्तमान कीमतों पर 4,62,000 रुपए हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली देश में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले नंबर पर है। पिछले 9 सालों में दिल्ली और दिल्ली वासियों की समृद्धि तो बढ़ी ही, साथ ही दिल्ली सरकार की भी समृद्धि बढ़ी है। एक ईमानदार सरकार होने के कारण हमारे राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में दिल्ली सरकार का बजट व्यय 30,940 करोड़ रुपए था और वित्त वर्ष 24-25 में केजरीवाल सरकार के 10वें बजट के रूप में मैं 76,000 करोड़ रुपए का बजट आज इस विधानसभा में प्रस्तुत करूंगी।